बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे, अगर सुबह उठते ही आपको बवासीर की पेन बहुत ज्यादा होती है तो हम घर पे क्या कर सकते हैं जिससे हमें पिल फोर हमें इसके रिलीफ मिल सके, इसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मेहर है, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। ये नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस वीडियो के रिलेटेड या हेल्थ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर जाके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब इसमें जो हम फोरन क्विकली हम रिलीफ इस तरह मिल सकता है कि हमने सीड्स बात का इस्तेमाल करना। सीड्स बात क्या होता है कि नीम गर्म पानी की हमने सकाई करनी है अफेक्टेड एरिया के ऊपर। हमने नीम गर्म पानी में बैठना है, उसमें जो सबसे पहले देसी तरीका है, देसी तरीके में जो आम घर में जो टप है वो हमने लेना है और उसमें बैठने से पहले आपने कोशिश करनी कि अच्छी तरह साफ कर लें, बेकिंग पाउडर के साथ साफ करें, उसमें जरासीम वगैरह ना हो, जिससे अरब दाना का उसमें जरासीम हो तो आपके भी इन्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं। साफ करने के बाद आपने उसमें चार हिस्सों का अगर टोटल है उसमें तीन से आपने पानी डालना है। नीम गर्म आपने बहुत ज्यादा पानी नीम गर्म नहीं करना, क्योंकि पानी अगर ज्यादा गर्म होगा तो आपकी स्वेलिंग को बढ़ा सकता है, आपके जिस्म को जला सकता है। नीम गर्म पानी करना है, नीम गर्म पानी में आपने 10 से 15 मिनट आपने डेली बैठना है। इंशाल्लाह ये दिन में 3 से 4 दफा करें, इससे आपको काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। और कोशिश ये करनी है कि अगर आपको जो मेडिकेटेड टब भी होते हैं वो भी आपको मार्केट से मिल सकते हैं, लेकिन आप लिक्विड पानी का भी ज्यादा इस्तेमाल करें और फिर इसका सीड्स बाड का भी इस्तेमाल करें। जो पानी की सिकाई है किसी तरीके से भी आप ले सकते हैं। और इसमें कोई आपने एंटीसेप्टिक डालना है वो अपनी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक डालें, जैसे पायोडीन है या कोई भी डेटोल वगैरह है, क्योंकि ये जो एंटीसेप्टिक होते हैं अगर वहां पे स्वेलिंग ज्यादा तो आपके से जलन ज्यादा प्रोड्यूस होती है। इसलिए ये आप तब डालें पानी में जब आपका डॉक्टर आपको रिकमेंडेड करे। उम्मीद है इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको काफी तक फायदा होगा। इस वीडियो के रिलेटेड कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय लाजमी दें। अल्लाह हाफिज़।